आईएसबीटी से सहस्त्रधारा के बीच अब इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेंगी। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने स्मार्ट सिटी के तहत नए इलेक्ट्रिक सिटी बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही चार स्मार्ट टॉयलेट की भी शुरुआत की गई है। आपको बता दें कि यह इलेक्ट्रिक बसें देहरादून आईएसबीटी से सहस्त्रधारा के रूट पर चलेंगी, जिससे आम लोगों को सहस्त्रधारा जाने वाले पर्यटकों को भी इसका लाभ मिलेगा। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि इलेक्ट्रिक बस पर सफर करने वाले यात्रियों को 10 रुपए किराया देना होगा। स्मार्ट सिटी के तहत अभी 10 बसें देहरादून जनपद में संचालित की जा रही हैं। इससे आने वाले समय में वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी और आम लोगों को अच्छी सुविधाएं भी दी जा रही है। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। कुल मिला के जो हमारे 27 परियोजनाएं हैं, जिसमें हमने 5 कंप्लीट कर लिया। शेष की जहाँ तक बात कही है, उसमें भी हम गति अब ले रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं जल्दी उन पर भी हम काम तेजी से शुरू कराएंगे। हमारे यहाँ से 5 ई बसेस और 4 टॉयलेट्स जो स्मार्ट टॉयलेट्स हैं, उनका इनॉग्रेशन किया गया है माननीय मंत्री जी द्वारा और मेयर साहब उपस्थित हैं यहाँ पे। इसके अलावा अब आगे भी हमारी योजना है कि हमारे जो भी काम पूरे होते जा रहे हैं, जल्दी जल्दी उनका काम कंप्लीट करके उसको हम लोग इनॉग्रेट।